नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लड़कुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदली है। मेरे लिए सियासत का मतलब जनता की सेवा है। जनता की मेरे लिए साफ तौर पर भगवान है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। ऐसा भैया नहीं मिलने वाला। मैं चला गया तो तब आपको याद आऊंगा। सीएम शिवराज सिंह के इस बयान को लेकर अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। विभिन्न रिपोर्ट्स में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल भाजपा ने सूबे के 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने भी अभी तक सूबे में सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। इससे अटकलें हैं कि चुनाव में जीत के बाद सीएम किसी और को भी बनाया जा सकता है। इस बीच कई सर्वे भी सामने आए हैं जिनमें कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। अब सीएम शिवराज के बयान ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। शिवराज ने ऐसी बात क्यों कही, इसके भी मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कुई में लगभग 154.47 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आम नागरिकों का जीवन बदलने का मिशन चल रहा है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। गांव में शानदार सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, सीएम राइज स्कूल, अस्पताल बन रहे हैं। विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। आगामी चुनावों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम शिवराज ने तेंदुपत्ता संग्रहों को हित लाभ प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को जूते चप्पल, पानी की कुप्पी, साड़ी आदि सामग्री दी जा रही है। बहनों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी एक दिन आएगा जब भैया उनके खाते में सीधा पैसा डाल देगा। लाडली बहनाओं के खातों में हर महीने धनराशि डाली जा रही है। अक्टूबर से हर माह 1250 रुपए कर दिए हैं। धीरे धीरे ये राशि 3000 रुपए तक दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में छोटे भाई बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सर्व करके साफ तौर पर सर्वे के बेस पर मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश और सूखे से बर्बाद हुई फसलों पर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि सोयाबीन की फसल में कहीं नुकसान हुआ होगा तो जल्द ही सर्वे करार राहत राशि प्रदान की जाएगी। जनमानस का असीम आशीर्वाद प्रदेश के विकास और लोगों के जल कल्याण की योजनाओं पर बने रहने की शक्ति देता है। यही वजह है कि विकास के लिए सरकार को धन की कमी नहीं होती, जबकि दूसरे सरकारें पैसा नहीं होने पर रोती नजर आती हैं। सरकार जल्द गैस सिलेंडर की राशि 450 रुपये लाडली बहनाओं और उज्ज्वला गैस कलेक्शन धारकों के खाते में डाल देगी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की तमाम तरीके की घोषणाएं, इस तरीके की साफ तौर पर योजनाएं जनता को लुभा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका भावुक बयान जो सामने आया कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल चुका है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है और उसके जगह साफ तौर पर किसी और को भाजपा विराजमान करने वाली है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।